हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था। लेक्चर वन आपने काफ़ी अच्छे से इसको रिव्यू किया है। आज लेक्चर टू इसका स्टार्ट होने वाला है और आज के इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फ्लूड की हम डिस्कस करेंगे जो आपको आगे एग्ज़ाम में और आपकी टेक्निकल स्किल को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी, जिसको हम घनत्व कहते हैं, और स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, जिसको आप आपेक्षिक भार बोलते हो आप लोग। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे, आपेक्षिक घनत्व, आयतन सॉरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि आपेक्षिक गुरुत्व, आपेक्षिक ही है आपेक्षिक गुरुत्व। विस्कोसिटी, श्यानता के बारे में पढ़ेंगे, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, शुद्ध गतिक श्यानता क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व और मास डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी यानी घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी संहति यानी कि द्रव्यमान मास होता है उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। साधारणतः इसे रो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, रो के द्वारा इसको हम लोग जो हैं वो रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी डेंसिटी होती है इसको हम रो रो से डिनोट करते हैं, इसको हम ये रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेंसिटी यानी कि रो रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपको जो है इनको याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसे हिंदी में तो नहीं याद रख पाओगे जल्दी से। जैसे आपको जो है डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान यानी कि रो, रो इज इक्वल टू आप लिखोगे एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये डेंसिटी होता है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की यानी कि मात्रक की, अगर हम इसकी बात करें कि मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक के बारे में अगर हम देखें तो ऊपर मास दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मास का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर हम मात्रक की बात करें तो यूनिट निकल के आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। अब एक बात समझने की ये है कि ये जो डेंसिटी है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, घनत्व मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको, आपने देखा हो कि ये एक बैग है, ये जो है एक सीमेंट का बैग है, एक कट्टा कह लो उसको, थैला कह लो। अब इसके अंदर जो है ये सीमेंट भरा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, ये सीमेंट भरा हुआ है, ये सीमेंट भरा है। तो जनरली अगर हम इसको वेट की बात करें तो जनरली इसमें जो है वजन आएगा लगभग 50 केजी के आसपास आएगा। वही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही सेम आपने एक कट्टा लिया, ऐसे ही सेम आपने एक कट्टा लिया और इसके अंदर आपने जो है इसमें रुई डाल दी, रुई कॉटन समझते हो, रुई कॉटन डाल दिया इसके अंदर हमने, इसके अंदर हमने जो है कॉटन डाल दिया। तो जब इसको आप वेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट इसका वेट कितना आएगा, मैक्सिमम 5 केजी आएगा, अप्रोक्सीमेट 5 केजी के आसपास आएगा। अब आप एक चीज़ समझिए, ये जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही है ना, वॉल्यूम तो आपका दोनों में सेम ही है,
लेकिन जो है अब इसका दोनों का क्या है, वो डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग है, इसलिए इसका वेट ज़्यादा हो गया है कम हो, क्यों कि डेंसिटी जो है आपकी है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है लेकिन सबका जो है मास जो है वो अलग अलग है। इसमें जो है, इसमें जो आपका भरा है सीमेंट भरा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसकी डेंसिटी कम होने के कारण इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको ये तो हमने समझाया सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड यानी कि हमने ये ठोस की फॉर्म में समझा। अगर इसको हम अब फ्लूड की फॉर्म में समझें, तो इसको हम फ्लूड की फॉर्म में समझते हैं तो आप ये समझिए कि जैसे हमने ये कहा कि जो वाटर की जो डेंसिटी है, पानी जो है वाटर, पानी का जो घनत्व है वो हमने माना कि वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, पानी का जो घनत्व है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। अगर आपने जो है अब ऐसे ही अगर हम बात करें मरकरी यानी ये पारा, अगर हम पारे की बात करें पारा, तो पारे का घनत्व कितना होता है, पारे का जो घनत्व है वो कितना होता है, पारे का जो घनत्व है वो होता है आपका, ये होती है 13000, ये होती है आपकी 13558 केजी पर मीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, यानी कि इसको आपेक्षिक भार भी हम लोग कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। तो आपेक्षिक भार, किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है, उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेट की, तो स्पेसिफिक वेट आपका होता है वेट ऑफ फ्लूड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, यानी कि आपका क्या, वेट ऑफ फ्लूड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, या फिर आप कह सकते हो वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी आप लोग कह सकते हो। इसको जो है स्पेसिफिक वेट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, और ये होता है स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, यानी कि तरल का भार बटे तरल का आयतन। स्पेसिफिक वेट जो होता है इसका जो मात्रक है वो होता है आपका, क्या होता है इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि भार जो है अगर उसको हम न्यूटन में ले लें तो इसका मात्रक आपका होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक है। देखिए, आपने अब तक जो है डेंसिटी पढ़ी है और आपने अब तक क्या पढ़ा है, ये स्पेसिफिक वेट पढ़ा है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूड बटे वॉल्यूम ऑफ फ्लूड। उसके बाद आपने पढ़ा स्पेसिफिक वेट, ये क्या है, वेट ऑफ फ्लूड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि आपेक्षिक आयतन।
अब स्पेसिफिक आयतन जो है उसको कैसे कहोगे आप? ये एसआई प्रणाली में तरल की इकाई संयंत्र यानी यूनिट मास का आयतन, उसका आपेक्षिक आयतन या फिर विशिष्ट आयतन कहलाता है। विशिष्ट आयतन कहलाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप लोग डिनोट करते हो स्मॉल वी से। ये क्या है? इसको आप जब डिनोट करोगे, इसको आप बोलोगे भैया ये स्मॉल वी है। तो स्मॉल वी इज इक्वल टू, ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास एक तरह से आप कह सकते हो, या आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ फ्लूड अपॉन मास ऑफ फ्लूड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूड अपॉन मास ऑफ फ्लूड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूड अपॉन मास ऑफ फ्लूड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वॉल्यूम अपॉन मास। वॉल्यूम अपॉन मास। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो एक तरह से क्या होता है? डेंसिटी का उल्टा होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? एक तरह से डेंसिटी का उल्टा होता है, क्योंकि डेंसिटी जब आपने पढ़ा था, रो आपने क्या पढ़ा है? रो आपने पढ़ा है सर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये था ना डेंसिटी। ये घनत्व तो पढ़ा था ना हमने, जो हमने घनत्व तो पढ़ा है ये वाला, हमने पढ़ा है ये घनत्व तो। ये तो हमने घनत्व तो पढ़ा है ना, मास अपॉन वॉल्यूम घनत्व तो वॉल्यूम अपॉन मास। ये क्या हो गया? एक तरह से जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो वन अपॉन रो, इसको आप लिख सकते हो। यानी कि डेंसिटी का जो उल्टा है, जो घनत्व का जो उल्टा होता है, घनत्व का जो उल्टा है उसे आप बोलते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि आपेक्षिक आयतन। अब अगला आपका आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक गुरुत्व। आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। किसी पदार्थ के आपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार के अनुपात को भी उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब ये देखिए, ये आ गया आपका आपेक्षिक घनत्व, आ गया अब आपका ये आपेक्षिक घनत्व भी कह सकते हो, इसको आपेक्षिक गुरुत्व भी कह सकते हो, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत पूछा जाएगा आपके पेपर में, आराम से इसमें से जो है न्यूमेरिकली बनता है इस पे, और जो है ये डेफिनेशन भी आ जाती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। अब देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये एक तरह का रेशो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम डिनोट करते हैं एस से, जो ये है इसको हम डिनोट करते हैं एस से, ये एस होती है कैपिटल एस। तो जो कैपिटल एस है, अब देखिए आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे लिखते हैं, ये एक तरह का रेशो है। किसका रेशो है? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूड कह सकते हो, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये, चलो हम पहले फ्लूड लेके चलते हैं, कोई भी फ्लूड, इसे एफ लिख देते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड यानी कि इसे आप लिख सकते हो वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टैंडर्ड में क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फ्लूड। अब देखिए आप, अब भाई हमने बात की फ्लूड की, यानी कि फ्लूड क्या है? लिक्विड भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? ये गैस भी हो सकता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एक तरह का रेशो है ये, ठीक है? ये भी क्या है? ये रेशो है। अगर मैं बात करूं आपसे, आपसे मैं ये कहूं कि ये जो है, अगर मैं आपसे अब ये बोलूं कि हमने बात करी स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने बात की लिक्विड के बारे में, लिक्विड तो
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, लिक्विड के लिखेंगे तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई पानी के केस, इसमें जो लिक्विड है केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूड है वो हमने क्या माना है, पानी माना है। तो जब आपको जो है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है किसी भी लिक्विड की निकालनी है, सपोज जैसे यहाँ पर आ गया आपका जो है यहाँ पे पेट्रोल आ गया, लिक्विड इसका पेट्रोल आ गया फिर डीजल आ गया, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है ठीक है, तो आपको वाटर की आपको पता ही है वेट डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। यहाँ पर अगर ये दिया है तो आप वेट डेंसिटी निकाल सकते हो यहाँ पे लिक्विड की, जो भी लिक्विड आपको निकालना है, या फिर अगर दोनों की आपको वेट डेंसिटी दी है तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो लिक्विड की ठीक है। तो ऐसे ही इस पर जो है वो न्यूमेरिकल बनते हैं। अब अगर मैं ऐसे ही आपसे कहूँ कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बताइए एयर, तो एयर एक गैस में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ गैस, ये गैस है किस में, सॉरी यहाँ पर गैस है, अगर हम गैस की बात करें किसी गैसेस की बात करें तो वेट डेंसिटी ऑफ गैस जो भी गैस है और अपॉन आ जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पर क्योंकि जो स्टैंडर्ड फ्लूड है गैस के केस में वो क्या है, वो एयर है, वो क्या है, वो एयर है, तो यहाँ से आप जो है इसका निकाल सकते हो ठीक है। विस्कोसिटी की बात कर रहे थे, तो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता किसी तरल फ्लूड का वह गुण है जिसके कारण उसकी एक परत या लेयर का दूसरी परत पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता या फिर विस्कोसिटी कहलाती है। मतलब आप देखते हो अगर कोई जो है पानी जो है किसी नाली से या फिर जो है नहर या नदी से वो ट्रेवल कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो है लेयर्स बनी होती हैं आपस में। जैसे मान लिया अगर हम ये कहें कि जैसे सपोज करो ये एक जो है कैनल है और इसमें जो है ये लेयर्स चल रही हैं आपस में, पानी की लेयर चल रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लेयर्स हैं, जो ऊपर की लेयर है और नीचे की लेयर है, इन दोनों में क्या होगा, जब ये इसके ऊपर स्लाइड करके चलेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करेगी एक दूसरे को, यानी कि एक रेसिस्टेंस लगेगा जो इसको बहने में जो है वो विरोध करता है। ये जो इसका गुण है इसको हम श्यानता कहते हैं या फिर विस्कोसिटी हम इसको कहते हैं। अब इसको हम जो समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे अगर हमने एक वेलोसिटी प्रोफाइल लिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया एक लेयर ही चल रही है तो हो सकता है कि ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड तेज हो, नीचे वाली की स्पीड जो है वो कम हो। आपने कभी अगर आप नहर में कभी आपने स्नान किया हो तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जब आप जो पानी चल रहा है ऊपर का जो बहाव है पानी का, ऊपर की जो लेयर्स हैं वो थोड़ा तेज स्पीड से चलती हैं और जो नीचे की जो लेयर्स हैं उनका थोड़ा स्पीड जो है वो कम होता है और धीरे 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 जो है जो सबसे नीचे की जो लेयर होगी उसकी जो है स्पीड जो है वो बहुत ना के बराबर होती है। तो एक ऐसा ही वेलोसिटी प्रोफाइल हमने यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाया है आपको। तो जैसे अगर मैंने माना कि यहाँ पर जो है ये आपका ये यू है, यानी कि वेलोसिटी है यू, ये पानी की चल रही है इधर को, और ये जो है लेयर्स की आपस में जो है डिस्टेंस हमने डी वाई मानी इस साइड से। अब अगर मैं दो लेयर्स की बात करूँ, एक लेयर ये है यहाँ पर, एक लेयर है ये, मैंने दो लेयर मानी पानी की, एक लेयर ये है एक ये है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो लेयर हैं इसकी स्पीड मानो भैया है इसकी यू, ठीक स्मॉल यू है, और जो दूसरा आपका लेयर है ये वाला इसकी स्पीड मानी हमने यू प्लस डी यू है, ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा तेज चल रही है ऊपर वाली लेयर, तो जो तेज चल रही है ठीक है तो ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमने मानी डी वाई है, और जो एक गैप निकल के आ रहा है दोनों की जो वेलोसिटी है इसकी तेज है इसकी कम है, तो इसको हमने माना कि ये डी यू है।
यानी कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल हमने बना लिया। अब एक बात आप समझिए कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो नीचे की लेयर है ये एक ऊपर जो है शियर स्ट्रेस, एक नया कंसेप्ट अभी निकल के आया है, इसमें से एक नई टर्म निकल के आई है शियर स्ट्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब टेक्निकल टर्म में बात करेंगे हम, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अभी जब फ्लूड मैकेनिक्स चल रहा है, अभी जब वो पढ़ोगे आप मॉस पढ़ोगे मैकेनिक्स स्टूडेंट, वहाँ पर शियर स्ट्रेस कंसेप्ट भी आएगा। तो शियर स्ट्रेस, ये नीचे वाली लेयर जो है वो ऊपर शियर स्ट्रेस लगा रही है, जो ऊपर की जो लेयर है वो नीचे लेयर शियर स्ट्रेस लगा रही है, और ये जो शियर स्ट्रेस है यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में है ना ये चीज़, तो ये इसके और इसके दोनों लेयर के बीच में है ये शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस जो है ये प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब इन दोनों के बीच जो है ये जो वाई के रिस्पेक्ट में जो ये चेंज जो आ रहा है वेलोसिटी का, ये उसके जो है प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो वैसे भी जो टो होता है शियर स्ट्रेस को हम टो से प्रेजेंट करते हैं, ये जो टो है टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको आप लिख लोगे ये होता है डी यू बाई डी वाई, ये आपको याद भी रखना है ठीक है। और ये जो डी यू बाई डी वाई है, ये जो डी यू बाई डी वाई है इसको आप लोग एक नई टर्म बोलते हैं इसको, ये होता है आपका, इसको आप डी यू बाई डी ओ को बोलते हो आप, ये आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग जो है लिखते हैं ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें याद भी रखी जाती हैं समझ के, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये चीज़ तो समझ ली हमने, ये शियर स्ट्रेस है, यहाँ पर टो क्या है, टो है शियर स्ट्रेस। ये डी यू मैंने आपको बता दिया था, दोनों जो लेयर्स चल रही हैं उनके बीच का जो है वेग का जो है डिफरेंस है, ये वेलोसिटी का डिफरेंस है, और ये क्या है, ये लेयर्स के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, अगर हमने माना था कि ये वाई डायरेक्शन की जो है वो लेयर्स की जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या होगा इसमें, अब जब ये टो है, अब इसको आगे बढ़ते हैं लेके, आपको पता है कि जब कोई प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह यहाँ से हटता है ये वाला, तो जो टो है यानी कि टो बराबर, यहाँ पर एक हम जो है कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वो कांस्टेंट हमने म्यू ऐड किया, म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई, अब इसको हमने ऐसे लिख लेंगे डी यू बाय डी वाई लिख लेंगे। तो ये जो कांस्टेंट हमने ऐड किया है ये वाला, ये जो म्यू कांस्टेंट ऐड किया है, ये कांस्टेंट इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी भी इसको हम कहते हैं, ये एक तरह से आप जो है इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आप लोग कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको जो है आप खाली विस्कोसिटी भी कह सकते हो। अगर यहाँ से हम इसको आगे और बढ़ाएं तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा टो अपॉन डी यू बटे डी वाई। तो भैया यहाँ से जो है ये आपका निकल के आ गया, इसे आप जो है विस्कोसिटी कह लो या फिर इसको जो है आप कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी कह सकते हैं ठीक। तो ये हमारा था, ये हमारा विस्कोसिटी के बारे में था। तो अब जो है अगर हम बात करें यूनिट की, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होती है, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की हम लोग बात करें तो एम इसकी जो है एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट विस्कोसिटी की, वो लिखते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा जो है यूनिट वगैरह आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कंपटीशन में। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो है एक और इसकी यूनिट जो है वो पूछी जाती है कई बार, सीजीएस में इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में
सीजीएस में जो है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइन, DYNE डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप लोग जो है पॉइज भी कहते हो, पॉइज, ये ठीक है। और अब इसमें जो है इसका जो MKS यूनिट है वो आप मुझे जो है बताओगे अपने आप करके, MKS कमेंट सेक्शन में बता पाओगे, कमेंट सेक्शन में कर देना इसको MKS यूनिट विस्कोसिटी का क्या होता है, ठीक है। चलो अब ये हो गई हमारी विस्कोसिटी हो गई, तो विस्कोसिटी का भी हमारा फंडा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसके बाद जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, चलो जी इसको भी देख लेते हैं। शुद्ध गति की क्षयनता उस द्रव की परम क्षयनता तथा द्रव्यमान घनत्व का अनुपात होता है। देखो सब चीज़ें जो है वो अनुपात ही हैं एक तरह से, तो इसको जो है हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, और एक तरह से ये जो है इसका ये होती है विस्कोसिटी, यानी कि परम क्षयनता, वही विस्कोसिटी ले लेते हैं, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होती है। ये रेशो है किसका, विस्कोसिटी, ये जो यहाँ पर इसने बोला ना परम क्षयनता, ये विस्कोसिटी है परम क्षयनता, वो देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो म्यू अपॉन रो, म्यू अपॉन रो, तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू अपॉन रो यहाँ पर हो गया, ठीक। और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है अगर हम बात करें इसकी यूनिट की हम बात करें, तो यूनिट जो है यहाँ से इसकी जो निकल के आती है वो आपकी आती है मीटर स्क्वायर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर सेकंड, यानी कि यूनिट जो है, यूनिट है मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसा यूनिट, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर सेकंड है। अब इसका ही मुझे आप कमेंट सेक्शन में MKS और CGS यूनिट बताएं क्या होता है, MKS में CGS में, ये आपका होमवर्क है। तो इसमें जो हमने चीज़ें आज डिस्कस की हैं वो आपको जो है उसका नोट्स एक बनाना पड़ेगा पूरे का स्टार्टिंग से ही, और वो नोट्स जो है हम एज ए असाइनमेंट हम देख लिया करेंगे उसको, और बाद में फिर उसको जो है जब आपके इंटरनल मार्क्स जब जाएंगे सेशनल के, तो उसमें जो है हम लोग उसको देखेंगे कितने अच्छे से आपने जो है पढ़ाई की है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो है इसको लेक्चर को बहुत बारीकी से आराम आराम से देखें। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई दिक्कत आपको लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो फ़ोन भी कर सकते हो डायरेक्ट आप उसको, और जो है या फिर जो है नीचे आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप एराइज कीजिए। थोड़ा जो है अब आपको पढ़ने का समय आया है, थोड़ा मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे चैप्टर वन को, और फिर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसके ऊपर हम लोग करेंगे। तब तक आप जो है इसकी तैयारी कीजिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।